सहजा दिनसारी के साथ आप देख रहे हैं द निराला टीवी। दोस्तों आज के मुख्य समाचार, झज्जर में मिड डे मील कर्मचारियों का प्रदर्शन, ऑनलाइन हाजिरी लगाने का विरोध, बोले इसके लिए सरकार उनको 26,000 रुपए वेतन दे। सिरसा में कार हादसे में एक की मौत, 4 घायल, भाखड़ा नहर से नहाकर लौट रहे थे, पेड़ से टकराई होंडा सिटी। हरियाणा में मतदान, मोहाली में होगा ड्राई डे, जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश, नियम टूटे तो होगी कार्रवाई। हरियाणा कांग्रेस में उम्मीदवारों का घमासान, किरण चौधरी ने समर्थकों की मीटिंग बुलाई, बृजेंद्र के टिकट कटने पर बीरेंद्र बोले बिना बुलाई प्रचार नहीं करूंगा। संसद भवन की सुरक्षा को लेकर NSG ने माउंट रोल की, हेलीकॉप्टर से करवाया गया एयर सर्वे। पंचकुला में सिलेंडर फटने से लगी आग, आधा दर्जन से अधिक झोपड़े जलकर नष्ट, हजारों का नुकसान। पलवल में एक की मौत, 3 घायल, तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर, सगाई समारोह से वापस लौट रहे थे। कर्नाटक में बेंगलुरु के मतदान केंद्र के बाहर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने ब्रिज शर्मा, निशांत सिंह के इस्तीफे के बाद नियुक्त युवा प्रदेश प्रधान महासचिव रब्बू पवार ने दिया इस्तीफा। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।